हेलो फ्रेंड्स, ओ टू एस अकेडमी के मेन्स आंसर राइटिंग सेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से एक आंसर एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके आंसर राइटिंग टिप्स कि कैसे हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने पार्ट्स हैं और उसकी और भी चीज़ों को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। सो सीधा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्योरेंटिज्म, डू यू एग्री? अब ये जो क्वेश्चन है वो UPSC 2020 में GS1 में आ चुका है। ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी UPSC पूछ चुकी है, और ये अगर आप देखोगे तो बहुत ही टिपिकल और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसको आंसर करना विद इन 12-13 मिनट्स, एक अगर आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है तो उतना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। बट हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो होते हैं वो ऑब्सक्योरेंटिज्म लाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है। इसमें जो मेन कीवर्ड्स होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्योरेंटिज्म। तो ये तीन चार वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना है। और यहाँ पे पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्सक्योरेंटिज्म क्या होता है। ऑब्सक्योर करना किसी भी चीज़ को क्या होता है, उसको छुपाना, हाइड करना, डेलिब्रेटली या फिर जानबूझ के छुपाना है, हाइड करने को ऑब्सक्योर करना कहते हैं। तो ऑब्सक्योरेंटिज्म क्या होता है, जहाँ पे इंसान इंसान से कोई सच, कोई चीज़, कोई लॉजिक जानबूझ के छुपाया गया हो, जानबूझ के मिसलीड किया जाए, जानबूझ के इंसान को अंधेरे में रखा जाए, उस फिलॉसफी को हम ऑब्सक्योरेंटिज्म कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि जितने रीति रिवाज हम फॉलो करते हैं, कोई कस्टम है, कोई ट्रेडिशन है, कोई त्यौहार हम मनाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, उससे हमारे सोचने समझने की शक्ति कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जिससे इंसान जो है वो इग्नोरेंट होना शुरू हो जाता है। तो क्या हम इससे अग्री करते हैं नहीं करते हैं, तो उसी क्वेश्चन के आंसर को हम देखने वाले हैं। तो देखो, जैसे हमने पहली बात की है, किसी भी क्वेश्चन में हमने एक एक्सट्रीम जो एक हमारा व्यू पॉइंट है वो हमने नहीं लेना है। कहीं पे भी आप एक एंड पे नहीं जाएं कि हमें एक हमने लाइन पकड़ लेनी है और उसी काम में लकीर के फ़कीर वहाँ पे हो जाना है। तो हम यहाँ पे दोनों साइड्स की बात करेंगे कि कस्टम एंड ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं इंसान को रोकते भी हैं आगे बढ़ने से, और कहीं पे कहीं ना कहीं कस्टम एंड ट्रेडिशन इंसान की ज़रूरत भी हैं। तो हम दोनों साइड्स यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर जब हम स्टार्ट करेंगे इन द इंट्रोडक्शन की जब हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत ईजी होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे सिंपल आप ऑब्सक्योरेंटिज्म जो है उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे कि ऑब्सक्योरेंटिज्म क्या हो सकता है। अगर आप नहीं इसको जानते हैं तो सीधा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को रीज़न के साथ लिंक कर सकते हैं। रीज़न मतलब के लॉजिक, जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई अगर शादी हो रही है तो शादी के मंडप में इतने मंत्रास क्यों पढ़े जाते हैं, ठीक है, और किसी की डेथ पे इतने रिचुअल्स क्यों किए जाते हैं, किसी के बर्थ पे इतने रिचुअल्स क्यों किए जाते हैं, तरह तरह के रीति रिवाज जो हैं वो क्यों हैं, तो वो सारा जो एक सवाल है उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इस आंसर को हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, कस्टम और ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं रीज़न के साथ लिंक करके, या फिर कल्चरल शॉविनिज्म को इस चीज़ से समझा के। कल्चरल शॉविनिज्म क्या होता है कि अपने ही कल्चर को या फिर अपने ही रीति रिवाजों को सबसे ऊपर मानना कि मेरे रीति रिवाज सबसे बढ़िया हैं, बाकी सब बेकार है। तो आप इस चीज़ में भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल तरीका क्या है, ऑब्सक्योरेंटिज्म की डेफिनेशन से आप स्टार्ट करें कि ऑब्सक्योरेंटिज्म क्या होता है, डेलिब्रेटली प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन एन इम्प्रिसाइज मैनर, मतलब कि लोगों से चीज़ें छिपाई जाएँ जिससे उनके पास प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ के बारे में ना आ पाए। और भी एक तरीका जो इंट्रोड्यूस करने का है वो है कोई भी रीसेंट एग्जांपल ले लेना। कोई भी अगर न्यूज़ में रीसेंट एग्जांपल आए जिसमें हमें कोई ब्लैक मैजिक की बात कोई दी हो, कहीं पे कोई ह्यूमन सेक्रीफाइस की बात की हो, कहीं पे कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंसानी समझ से परे है, तो वो एग्जांपल हम ऐसे क्वेश्चंस में डाल सकते हैं सो दैट हम प्रेजेंट से इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं लिंक कर पाएँ। तो एग्जांपल से स्टार्ट करना भी ऐसे क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा एक यहाँ पे स्टेप होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम दो साइड्स ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है जब हम कहेंगे कि कस्टम्स और ट्रेडिशंस जब हम एकदम फॉलो करते जा रहे हैं, बिल्कुल उसको क्वेश्चन किए हुए, बिल्कुल उस पर सवाल ना उठाए हुए, तो कैसे वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को कम कर सकता है। दूसरा पार्ट है कि ऐसा भी नहीं है कि सारे कस्टम और ट्रेडिशन जो है वो हमारे रीज़न के और सोचने समझने की जो शक्ति है उसको
कम करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे और दोनों साइड्स को यहाँ पे एड्रेस करेंगे। बॉडी ऑफ द आंसर में हम आते हैं, तो अब इसमें पहला जो पार्ट है वो हम एड्रेस करते हैं कि कैसे जो रीति रिवाज हैं वो सोचने समझने की शक्ति को, अंडरस्टैंड करने की शक्ति वो कम करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशंस और रिचुअल्स हैं वो हमेशा इंसान की जो लाइफ के पार्ट रहे हैं, चाहे कोई भी रिचुअल्स हो, कोई भी रीति रिवाज हो, वो हमेशा हिस्सा रहे हैं। अब कैसे हम ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करते आ रहे हैं उसका एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो बहुत यहाँ पे बढ़िया एग्जांपल होगा चाइल्ड मैरिजेस। चाइल्ड मैरिजेस का हो सकता है कि मिडिवल एंशंट एज में कोई लॉजिक हो, लेकिन आज के हिसाब से इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है और कई जगह आज भी इसको फॉलो किया जाता है। तो ये हमारे रैशनल बेसिस को और हमारे रीज़न को, हमारे लॉजिक को काफ़ी ज़्यादा एक उसके खिलाफ हमें जो बात है आती हुई दिखती है। जो लोग आज भी इसको फॉलो कर रहे हैं लॉजिक को जाने बिना और पुराने रीति रिवाजों के ऊपर ही चलते, तो ये उसके ऊपर बहुत एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है, क्या इसको चलना चाहिए या नहीं चाहिए। सेकंड है सैक्रिफाइस, किसी भी जानवर की आहुति देना किसी भी रिलीजन में। यहाँ पे आप देखो किसी रिलीजन का नाम मत लिखना, बिकॉज़ वो फिर एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाती है। जस्ट ओवरऑल बात कीजिए कि किसी भी रिलीजन को भगवान के नाम पे, किसी देवी माता के नाम पे या किसी के भी नाम पे सेक्रीफाइस करना, जो कि पुराना रीति रिवाज है, कई ट्राइब्स में कई जगह पे होता है, ये बिल्कुल रीज़न के परे है और ये डिसकंटिन्यू होना चाहिए। हमारी कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्ट है उसको हार्म करता है जब हम ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हुए जाते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है। थर्ड है जैसे किसी भी लेडी को किसी टेम्पल में अलाउ ना करना के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, वो भी एक ऐसा ही एग्जांपल है कि भाई यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगाया नहीं जा रहा है, सिंपली हम पुराने रीति रिवाजों के ऊपर चल रहे हैं। जैसे सबरीमाला का जो टेम्पल है, ठीक है, लॉर्ड अयप्पा जो वहाँ पे गॉड हैं उनके श्राइन पे जो लेडीज़ हैं वो बिल्कुल जो कोर एरिया है वहाँ पे नहीं जा सकती हैं, जितने भी मेंस्ट्रुएटिंग लेडीज़ हैं। तो ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि पुराने रीति रिवाज हमारे लॉजिक को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद है यूजेज ऑफ क्रैकर्स फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ एनी फेस्टिवल। पटाखे किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी सेलिब्रेशन में जब हम चलाते हैं, तो हो सकता है पहले कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना होता हो, इन्वायरमेंट हार्म ना होता हो, लेकिन आजकल किसी भी पर्व के ऊपर, बात सिर्फ दिवाली की नहीं है, किसी भी फेस्टिवल के ऊपर, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, जब भी कोई भी क्रैकर्स चलाए जाते हैं, कैसे भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया जाता है, ये इकोलॉजी के ख़िलाफ़ है और रीज़न के भी ख़िलाफ़ है। आज के हिसाब से इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन कस्टमर ट्रेडिशन बने हुए हैं तो लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है कि विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, काला जादू वाली चीज़ें आपको आज बहुत देखने को मिलती हैं, यू नो, बंगाली बाबा टाइप जितने भी ये चीज़ें होते हैं। ठीक है, तो काला जादू वाली जो चीज़ें हैं, किसी भी औरत को विच करार कर देना, दैट मीन्स कि उसको चुड़ैल करार कर देना, फिर उसको कहीं ना कहीं उसको मारना, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत ही ऐसी कस्टम्स हैं जो लॉजिक के, ह्यूमन रीज़न के, इंसानियत के बहुत खिलाफ़ दिखती है। सो डेफिनेटली जो ट्रेडिशंस हैं वो ह्यूमन रीज़न के खिलाफ जा रहे हैं इन केसेस में। ह्यूमन सेक्रीफाइस के भी जो एग्जांपल्स हैं वो पास्ट में हुआ करते थे, जैसे कि उड़ीसा की एक खोंड ट्राइब है जहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस भी हुआ करते थे, वो भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस के नाम पे होते थे, बट डेफिनेटली वो भी अगेंस्ट रीज़न है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट हो जाता है जैसे हम कहते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के टाइम पे बाहर मत निकलो, ये खाना मत खाओ और ये सारी चीज़ें। तो ये भी पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं जो आज के साइंटिफिक दौर के हिसाब से उतना फिट नहीं बैठते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हम यहाँ पर उतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कास्टिज्म। कास्टिज्म है या फिर अपनी ही एथनिसिटी में, अपने ही एरिया में बिलीव रखना कि हमें इसी कास्ट में शायद शादी करनी है, इसी कास्ट को हमने अच्छा मानना है, वो भी एक पुरानी सोच है, पुराने टाइम से कहीं ना कहीं पैदा हुई और हम इसको आज भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक आउटडेटेड प्रैक्टिस है और ह्यूमन रीज़न के और हमारे जो एक लॉजिकल माइंडसेट है उसके खिलाफ दिखती है। देन हम बात करते हैं पेट्रियार्कल माइंडसेट। ये जो मेल प्रेफरेंस है, जैसे मेल चाइल्ड के लिए प्रेफरेंस होती है,
हम काफ़ी जगह देखते हैं कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो आज भी काफ़ी जगह कम है, तो मेल जो चिल्ड्रन है वो आज भी फैमिलीज प्रेफर करते हैं, क्योंकि वही एक धारणा बनी हुई है कि जो एक मेल चाइल्ड है, जो एक लड़का है, वही एक वंश को आगे बढ़ाता है, जो कि अगेन पुराना कस्टम और ट्रेडिशन है, पुराने रीति रिवाज हैं, जिसको आज भी बहुत ही दुख सागत अगर हम कहें लोग इसको फॉलो करते हैं, जिसमें बिल्कुल रीज़न और लॉजिक हमें नहीं दिखाई देता। जो सारे वो एग्जांपल्स हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि पुराने रीति रिवाज इंसान की जो इंटेलेक्ट है उसको दबाने का काम कर रहे हैं और लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसको अभी डिसकंटिन्यू कहीं ना कहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब हम उसकी एक ऑपोजिट साइड भी देखते हैं कि कस्टम और ट्रेडिशन हमेशा रीज़न को नहीं दबाते हैं, कुछ लॉजिक उनके पीछे हो सकता है। पहले यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है वेयरिंग टर्बन्स। देखो टर्बन्स की अगर बात कहें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमेशा से पहने गए हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है जब गर्मी आती है, और सर्दियों में ठंड की वजह से ठंड भी काफ़ी आ जाती है, जिससे आपके हेड को कवर करना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। सो वेयरिंग टर्बन इन्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल है, और वो एक कस्टम और ट्रेडिशन बना हुआ है तो वो लॉजिक से बिल्कुल मेल खाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से एकदम यहाँ पे टर्बन पहनना सूटेबल है लोगों के लिए। और अगर सेकंड अगर हम बात करें तो टचिंग फीट ऑफ द एल्डर्स, अगर हम हमारे समाज में जैसे पैर छूते हैं बड़ों के, तो उससे क्या होता है, उससे हम किसी भी लॉजिक को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उससे सीधा हम अपने बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, और उससे समाज में जो एक रिस्पेक्ट है, एक प्यार है, जो एक सद्भावना है वो बढ़ी रहती है, जिससे जो एक लव वाली जो फीलिंग है, आप हम कह सकते हैं एक टुगेदरनेस है, और वो बढ़ी रह और वो एकदम सही रहती है। सो इसमें भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहा है। ये पुराने रीति रिवाज ज़रूर हैं, लेकिन ये हमारे सोचने समझने की शक्ति को कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन के जो प्यार वाले इमोशंस हैं, एक टुगेदरनेस है, एक जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उसको बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। थर्ड है हैविंग फूड फूड इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन। अगर हम खाना खाते हैं धरती के ऊपर बैठ के, फ्लोर के ऊपर बैठ के, चौकड़ी मार के, तो उससे हमारा जो डाइजेशन है वो ज़्यादा एड होता है, ज़्यादा बेटर डाइजेशन होता है, बिल्कुल ये मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुकी है, रादर देन जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। डाइनिंग टेबल पे खाना जो है वो ब्रिटिश प्रैक्टिस है, वो यूरोपियन प्रैक्टिस है, जो इंडिया में फॉलो नहीं किए जाते थे, जो इंडियन कस्टम्स हैं स्पेशली हेल्थ के हिसाब से, फूड के हिसाब से, यहाँ के डाइजेस्टिव सिस्टम और हेल्थ के एकदम कंसोनेंट चलते हैं, एकदम उसके हिसाब से चलते हैं, तो इसमें भी हमें एक लॉजिक दिखता है। और फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक सिस्टम। देखो आयुर्वेदिक सिस्टम हमारी रीति रिवाज का पार्ट ही बना हुआ है, तो जो पुराने टोटके वगैरह हमारे घरों में दादी अम्मा वगैरह किया करती थी, तो आज भी उनमें हम काफ़ी लॉजिक देखते हैं, क्योंकि जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो अगेन एक साइंस के ऊपर बेस्ड है, और वात पित्त कफ जो तीन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। सो ये एक ऐसे रीति रिवाज हैं जो आज भी लॉजिक रखते हैं, और इसके पीछे रीजंस, काफ़ी वैलिड रीजंस आपको मिल जाते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है दिवाली, रक्षाबंधन या कोई भी फेस्टिवल जब हम मनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी इंटेलेक्ट को, किसी के भी रीज़न को, किसी के लॉजिकल माइंड को वो हैम्पर कर रहे हैं, बिकॉज़ इंसानी फितरत है एंजॉय करना, आपस में मेल जोल करना और सेलिब्रेशन करना, तो हमेशा रीति रिवाज को क्रिटिकल एंगल से देखना एक सही नज़रिया हम नहीं कह सकते हैं। रीति रिवाज भी इंसान के लाइफस्टाइल का पार्ट रहा है, तो ये पॉइंट भी हम कहीं ना कहीं इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोनों साइड्स हमने इसकी दिखा दी हैं, रीति रिवाज के बैड इफ़ेक्ट्स कि वो नहीं कंटिन्यू होने चाहिए, कुछ नहीं कंटिन्यू होने चाहिए, और कुछ जो कंटिन्यू हो रहे हैं तो क्यों कंटिन्यू हो रहे हैं। अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो बहुत सिंपल तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि इंसान जो है वो रीति रिवाज भी शुरू से फॉलो करता हुआ है, और अपने दिमाग को भी कहीं ना कहीं चलाता हुआ है। तो हमें एक बैलेंस्ड माइंडसेट यहाँ पे रखना है, जुडिशियस मिक्स यहाँ पे रखना है, जहाँ पे इंसान अपना दिमाग भी बराबर यूज़ कर रहा है और ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि एक समाज में रहने के लिए कुछ ट्रेडिशंस का होना भी ज़रूरी है। तो रीज़न और ट्रेडिशंस दोनों के
एक प्रॉपर बैलेंस को लेके चलना यहाँ पे एक अच्छी अप्रोच यहाँ पे होगी। और यहाँ पे अगर आप कोई कोट ऐड कर पाएँ या फिर किसी फिलोसोफर का व्यू दे पाएँ तो बहुत ही एक अच्छा कंक्लूजन यहाँ पे बन सकता है। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी का कोई कोट, रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोई कोट, तो कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें आप इंक्लूड कर पाएँ जो कि ऑप्टिमिस्टिक हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, तो वो आपके कंक्लूजन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा। तो आई होप आपने आज का आंसर राइटिंग सेशन इंजॉय किया। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।